संजय गांधी को कभी कांग्रेस का युवराज कहा जाता था। संजय गांधी इंदिरा गांधी के बाद कांग्रेस में सबसे बड़ा नाम थे, लेकिन फिर एक दुर्घटना में संजय की मौत हो गई। संजय की मौत के कुछ ही वक्त बाद उनकी पत्नी मेनका गांधी को इंदिरा का घर छोड़ना पड़ा था। मेनका और बाकी गांधी परिवार के बीच ये गहराई फिर कभी नहीं भर पाई। वो क्या कारण थे जिसने इंदिरा और मेनका के बीच दरार पैदा की? इंदिरा ने मेनका से क्यों कहा ये तुम्हारा घर नहीं है? जिस रोज मेनका ने इंदिरा का घर छोड़ा, क्या कुछ हुआ था उस रोज, जानेंगे आज के एपिसोड में। नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांशी और आप देख रहे हैं ऐतिहासिक किस्सों कहानियों से जुड़ा हमारा रोजाना का कार्यक्रम तारीख। संजय गांधी का कांग्रेस की राजनीति में बड़ा योगदान हुआ करता था। पार्टी के बड़े फैसलों में पर्दे के पीछे से संजय काम किया करते थे। उनके बरक्स संजय के भाई राजीव का राजनीति से कोई वास्ता नहीं था, लेकिन जब उनकी मौत के बाद राजीव गांधी को उनके उत्तराधिकारी के तौर पर सामने लाया गया, तो इस बात से मेनका गांधी नाराज हो गई थी। इस नाराजगी का तस्किरा सागरिका घोष की किताब इंदिरा, इंडियाज मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर में मिलता है। सागरिका लिखती है कि मेनका ने सिमी ग्रेवाल को एक दफे बताया, मैं बहुत युवा थी और मेरी सास बहुत अधिक उम्र की थी। उस दुर्घटना में उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया था और वे उससे कभी उबर नहीं पाई, लेकिन मेरे प्रति उनका रवैया ऐसा था कि तुम क्यों नहीं मरी। किताब में आगे जिक्र है, मेनका अपने बुरे संबंधों का दोष राजीव और उनके परिवार पर मढ़ती हैं। इंदिरा अपने दूसरे बेटे को चाहती थी, राजीव को सामने लाने के लिए मनाया गया। इसके लिए उनकी और उनके परिवार की बहुत सी मांगे माननी पड़ी। मेनका को दूर करना उन मांगों में से एक था। राजीव के परिवार ने कहा, अगर मेनका नहीं गई तो हम चले जाएंगे। मेनका को लगता है कि किसी जवान विधवा को उसका हक देने के मामले में गांधी परिवार ने अपरिपक्वता दिखाई, सभी पारंपरिक भारतीय परिवारों की तरह। राजीव के आने के बाद मेनका का सिक्का कमजोर पड़ गया था। वे खुद को संजय की वारिस के रूप में स्थापित करना चाहती थी। खुशवंत सिंह तब हिंदुस्तान टाइम्स के संपादक के रूप में काम कर रहे थे। उन्होंने संजय की मौत के कुछ दिन बाद लिखा, संजय जैसे लोकप्रिय व्यक्तित्व की एकमात्र संभावित वारिस मेनका ही है, शेर पर सवार दुर्गा की तरह। लेकिन शेर पर सवार दुर्गा के अवतार का दर्जा तो पहले से इंदिरा के पास था। एक घर में दो दुर्गा होना संभव कैसे हो सकता था? इसलिए अब मेनका के घर से जाने का रास्ता धीरे धीरे खुलने लगा था। इस रास्ते को चौड़ा करने का काम किया मेनका की लखनऊ में हुई मीटिंग ने। मार्च 1982 में लखनऊ में अकबर अहमद डंपी ने एक सभा का आयोजन किया था। उस सभा में संजय गांधी की लेगेसी को याद किया जाना था, साथ ही एक शक्ति प्रदर्शन करना था कि संजय गांधी के उत्तर प्रदेश में अभी भी कई वफादार विधायक मौजूद हैं जो राजीव गांधी को स्वीकार नहीं करेंगे। इस सभा की भनक इंदिरा गांधी को पहले से थी। उन्होंने मेनका को इसमें ना शामिल होने की हिदायत दी थी। हिदायत देकर वो अपने लंदन दौरे के लिए रवाना हो गई। अपने पति की लेगेसी किसी और के पास जाना मेनका को रास नहीं आ रहा था, इसलिए वो इस धमकी रूपी हिदायत के बावजूद उस सभा में शामिल हुई। वहां उन्होंने जोरदार भाषण दिया। जब इंदिरा भारत लौटी तो उन्हें मेनका के किए के बारे में पता चला। वो ये सब सुनकर आग बबूला हो गई। उन्होंने फौरन अपनी बहू को गुस्से से भरी एक चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में मेनका को उनके परिवार और उनकी पृष्ठभूमि के लिए शर्मिंदा किया गया था। ये भी लिखा गया कि वो संजय से उनकी शादी के लिए कभी राजी ही नहीं थी। एक तरफ गांधी परिवार के अंदर ये उथल पुथल मची हुई थी, वहीं दूसरी तरफ पंजाब में सिख अलगाववाद जोर पकड़ रहा था। खालिस्तान की मांग के लिए सिख युवकों को रेडिकलाइज किया जा रहा था। असम का हाल और भी भयानक था। वहाँ के हिंदू मुसलमानों को बांग्लादेश भेजने को आतुर थे। उनका कहना था कि असम में रह रहे मुसलमान भारत के नहीं हैं, अवैध रूप से बांग्लादेश से आए हैं। इस बात पर आए दिन मुसलमानों की हत्याएं हो रही थी। इंदिरा को घर का कलेश भी मिटाना था और देश को भी संभालना था। लेकिन लखनऊ में मेनका के सभा में शामिल होने के बाद इंदिरा की परेशानियां बहुत बढ़ गई थीं। सभा में भाषण देने के बाद मेनका वापस दिल्ली के सफदरजंग स्थित घर पहुंची। वहां वो इंदिरा और परिवार के दूसरे सदस्यों के साथ रहती थी। इसी घर में 13 मार्च 1980 को वरुण गांधी का जन्म हुआ था। घर लौटने के बाद मेनका का इंदिरा से आमना सामना हुआ। उस रात घर के अंदर जो हुआ उसका जिक्र स्पैनिश लेखक हावियर मूरो ने अपनी किताब द रेड साड़ी में किया है। वो लिखते हैं, 28 मार्च 1982 की सुबह मेनका का इंदिरा से आमना सामना हुआ। मेनका ने इंदिरा से अभिवादन किया। जवाब में इंदिरा ने कहा, हम बाद में बात करेंगे। इसके बाद मेनका ने खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया। कुछ देर बाद एक नौकर उनके पास खाने की थाली लेकर आया। मेनका ने उससे पूछा, आप खाना कमरे में क्यों लाए हो? जवाब मिला, श्रीमती गांधी ने कहा है कि वो नहीं चाहती कि आप दोपहर के खाने में परिवार के बाकी सदस्यों के साथ शामिल हों।
एक घंटे बाद वो नौकर वापस आया और मेनका से कहा, श्रीमती गांधी ने आपको बुलाया है। हावियर आगे लिखते हैं, गलियारे से नीचे जाते हुए मेनका के पैर कांप रहे थे। वो मीटिंग हॉल के बाहर इंतजार कर रही थी। ये इंतजार लंबा होता जा रहा था। इस दौरान मेनका एक छोटी लड़की की तरह अपने नाखून चबा रही थी। अचानक उन्होंने शोर सुना और इंदिरा दिखाई दी, गुस्से में और नंगे पांव। उनके साथ धीरेन्द्र ब्रह्मचारी और सचिन धवन भी थे। इंदिरा ने मेनका की ओर उंगली उठाई और चिल्लाई, फौरन इस घर से निकल जाओ। मैंने तुमसे कहा था कि लखनऊ की सभा में मत जाओ, लेकिन तुमने वही किया जो तुम चाहती थी और तुमने मेरी बात नहीं मानी। तुम्हारे हर एक शब्द में जहर था। तुम्हें क्या लगता है मैं सब देख नहीं सकती? इस शहर को अभी छोड़ दो और अपनी माँ के घर वापस चली जाओ। इंदिरा ने मेनका को कपड़ों के अलावा घर से कुछ भी नहीं ले जाने की चेतावनी दी। इस गहमा गहमी के बाद मेनका ने खुद को अपने कमरे में कैद कर लिया। उन्होंने अपनी बहन अंबिका को फ़ोन घुमाया और पूरा किस्सा सुनाया ताकि वो प्रेस को सारी बात बता सकें। रात के 9 बजे तक घर के सामने अंतर्राष्ट्रीय संवाददाताओं का एक हुजूम खड़ा हुआ था। इसमें कई फोटोग्राफर्स भी मौजूद थे। बात इतनी फैल गई थी कि पुलिस बल भी बड़ी संख्या में तैनात था। तभी मेनका की बहन अंबिका भी वहां पर पहुंच गई थी। मेनका और अंबिका आगे की रणनीति तय कर ही रहे थे कि अचानक इंदिरा कमरे में घुसी और मेनका से एक बार फिर घर से निकलने को कहा। अंबिका ने इंदिरा की बात को काटते हुए कहा कि वो कहीं नहीं जाएंगी और ये उनका भी घर है। गुस्सा आई इंदिरा गांधी ने जवाब दिया, नहीं ये तुम्हारा घर नहीं है, ये भारत के प्रधानमंत्री का घर है। इसके बाद अंबिका ने अपनी बहन मेनका का सामान पैक किया। कुछ देर में मेनका का सामान एक गाड़ी में लादा जा रहा था। मेनका इस घर से अकेले नहीं जा रही थी, उनके साथ 2 साल के बेटे वरुण गांधी भी थे। इंदिरा अपने पोते को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। हावियर लिखते हैं, इंदिरा ने रात में ही अपने मुख्य सचिव PC अलेक्जेंडर को बुलावा भेजा। अलेक्जेंडर आधी रात को हड़बड़ी में उठे, उन्हें लगा कोई अंतर्राष्ट्रीय संकट आ गया है। इंदिरा ने खूब कोशिश की कि वरुण उनके पास ही रहें, लेकिन उनकी लीगल टीम ने उन्हें समझाया कि यह संभव नहीं हो पाएगा। रात के तकरीबन 11 बजे मेनका अपनी बहन और बेटे वरुण के साथ गाड़ी में बैठकर घर से चली गई। इसके कुछ दिनों बाद मेनका ने अकबर अहमद के साथ राष्ट्रीय संजय मंच की स्थापना की, लेकिन पार्टी सफल नहीं हुई। उन्होंने 1984 के लोकसभा चुनाव में राजीव गांधी के खिलाफ अमेठी से निर्दलीय चुनाव लड़ा, लेकिन हार गईं। 1988 में वो जनता दल में शामिल हो गईं। 1 साल बाद 1989 में जनता दल के टिकट पर पीलीभीत सीट से चुनाव लड़ा और संसद पहुंची। बीजेपी के साथ उनका सफर 2004 में शुरू हुआ। उन्होंने इसी साल बीजेपी के टिकट पर पीलीभीत से चुनाव जीता। बाद में 2009 में वरुण गांधी ने भी इसी सीट से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीत गए। आज की तारीख के एपिसोड में इतना ही। ये एपिसोड आपके लिए लेकर आए हैं हमारे साथी साजिद। देखते रहिए द लल्लन टॉप। शुक्रिया। किसको मिली बात, किसने उड़ाया धुआं, दिन भर खेलों की दुनिया में क्या क्या हुआ, हर खबर जिस पर आप करते हैं बात, छोटी से छोटी जानकारी लाएंगे हर रात। लेकर आया है लल्लन टॉप स्पोर्ट्स की खबरों का खास शो स्पोर्ट्स टॉप, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे।